नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। क्या नहीं आए? क्या हुआ? डर रहा है? ओए, जीजा को क्या समझा है? दुबई को हिलाकर रखने वाले अंडरवियर डॉन है। फोन रख साले। अंडरवियर डॉन नहीं बेवकूफ, अंडरवर्ल्ड डॉन बोल। उनके बस की बात नहीं, लगता है मुझे ही इंडिया जाना होगा। ओए, जाके सूटकेस में अंडरवियर डाल। हाँ, ठीक है जीजा। आरती लीजिए बाबू। मेरी लाइफ की घंटी बजाकर मुझे ये आरती दे रहा है। क्या सोच रहे हैं आप? आरती लीजिए बाबू। साला पंडित होकर काम वीरप्पन की जबरदस्त नाटक चल रहा है यहाँ पर। मतलब तूने जिससे शादी की है वो लेडी डॉन है? हाँ। जब तुझे पहले से पता था तो तूने उससे शादी क्यों की? मुझे शादी के बाद पता चला यार। मुझे लगता है उसने अपनी जरूरत पूरी करने के लिए तुझसे शादी की। मतलब जरूरत पूरी होने पर तुझे मार डालेगी? शादी के बाद लोगों को पत्नी मिलती है, लेकिन तुझे तो जेम्स बॉन्ड मिली है। अब क्या करेगा तू? मैं चुपचाप अपने घर भाग जाऊंगा। इसके बारे में भी पापा को कुछ नहीं बताऊंगा। उन्हें पता चला तो स्पॉट पर ही अटैक आ जाएगा। उन्हें ये बात बताए बिना ही अपने दोस्त को घर बुला लूंगा और वहीं पर छुपकर रह लूंगा। लेकिन बॉडी कहाँ छुपाएगा? फालतू जोक मत कर। सोचा था शादी करके जीवन सुधर जाएगा, लेकिन मेरी तो शादी करके जिंदगी खराब होने वाली है। अरे धत, क्या हुआ? अरे टायर पंक्चर हो गया। लिफ्ट लिफ्ट प्लीज, लिफ्ट लिफ्ट। अरे लिफ्ट लिफ्ट। शादी करके सेटल हो जाऊंगा सोचा था, पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है। लिफ्ट 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 प्लीज लिफ्ट। सर कार का टायर पंक्चर हो गया। सॉरी भाई, मुझे पंक्चर बनाना नहीं आता। ना ना, पंक्चर नहीं बनाना है सर, हमें तो सिर्फ लिफ्ट चाहिए। आ जाओ। ए आजा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बोला तो था सर कार का टायर पंक्चर हो गया। मैंने तुम्हारी कार के बारे में नहीं पूछा। फिर मेरी बहन के साथ तेरी इनसे बात करना बेकार है। अब तो आपको करके फेंक देता हूं। ए, मर जाएंगे तो कैसे बोलेंगे? जिंदा रहेंगे तभी तो बात करेंगे। फिल्मी डायलॉग बोलने से कोई फायदा नहीं, कुछ तो सीखो मुझसे। मेरी बहन से एंगेजमेंट करके कहाँ भाग गया था तू? आप लोगों का झगड़ा देखकर मैं डर गया था भाई। बच्चों की तरह बैठाकर क्या पूछ रहे हो भाई? दो चार लगा दो, सब बता देगा। सर, इसे चिल्लाने से मना कीजिए सर। क्यों? मुंह पे इतना थूक दिया है कि पोंछा भी नहीं जा रहा। ए, ए, तू बाहर जा। अब चलकर शादी कर ले। हाँ भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ए, इसे पता क्यों नहीं देता कि तेरी शादी हो गई है? इसे पता दिया तो ये हमें मैगी नूडल्स की तरह चबा जाएगा। अब तुमने क्या सोचा है? ओके भाई, मैं अब शादी कर लूंगा। वेरी गुड भैया, मैंने ताऊ को फोन कर दिया है, वो यही आ रहे हैं, वो खुद बात करेंगे इससे। थोड़ा धीरे बोलना भाई। ताऊ जी को फोन कर दिया है, वो यही आ रहे हैं। ऐसे ही बोलना, बेकार में बीपी मत बढ़ाओ, वैसे भी तुम दोनों का मेडिकल नहीं। तुम दोनों बाहर जाओ। मेरे बापू बहुत गुस्से वाले हैं, बात करने से ज्यादा मर्डर करना आसान लगता है। मैं तुम्हें एक प्लान बताता हूँ, तुम दोनों उस रूम में छुप जाओ। बापू का गुस्सा शांत होते ही तुम दोनों को मैं बुला लूंगा। चुटकी बजाते ही बाहर आ जाना। जाओ। ठीक है भाई। कहाँ है वो लड़का? कहाँ है? जल्दी बता। क्या हाथ लगते ही मार डालोगे? हमें लता की शादी करनी है उससे, ना कि मारना है। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आप उसे ढूंढ रहे थे, अब वो मिल गया, अब शादी हो जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन दूल्हा कहाँ है? आपसे डर रहे थे इसलिए मैंने उन्हें सामने वाले कमरे में छुपने के लिए बोला। ठीक है ठीक है ठीक है, शांत हो गया शांत हो गया। वो कहाँ है बता? चुटकी बजाते ही आ जाएंगे। तो बजा देना। मुझे सुनाई नहीं दिया, उसे कैसे सुनाई देगा? जोर से बजाना। उसे सुनाई नहीं दे रहा होगा, तुम लोग बार 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 बजाते जाओ रे। क्या रे, मुझे शांत करने के चक्कर में खुद लल्लू बन गया? फैशनिस्ट को फैशन बताता है? तेरी बेवकूफी की वजह से हाथ आया हुआ शिकार भाग गया, कहाँ ढूंढेंगे उसे? बाप रे, बाल बाल बच गया मैं। हेलो जॉनी को फोन। हाँ अंकल, एक मिनट। तेरे पापा? जॉनी। हाँ पापा। कल से तुझे मैं फोन लगा रहा हूँ, स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? बैटरी खत्म हो गई थी पापा, मैं आपको फोन करने ही वाला था, लेकिन अच्छा हुआ आपने फोन कर दिया। आप अपना सामान बांधकर तैयार रहिए, मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी पहुँच गए। पहुँच गए हो? कहाँ पर? आप लोग यहाँ कितने दिन रुकोगे? क्या भैया, कब आए पूछने की वजह कितने दिन रुकोगे पूछ रहे हो? वो क्यों नहीं पूछेगा, बचपन में इसकी माँ ने सामान की तरह ढोया था ना, अब ये हमें सामान समझकर बाहर फेंकना चाहता है। इसलिए कहा जाता है गाय पालो दूध देगी और बेटा पानी भी नहीं। ए, अपने दोस्त को तू बदल नहीं सकता क्या? कोशिश तो कर रहा हूँ। पापा, मेरा मतलब वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो इसलिए पूछ रहा था आपसे ताकि मैं भी छुट्टी लेकर आपके साथ रह सकूं। अभी अभी तो वो घर आए हैं और तुम ऐसे सवाल कर रहे हो, 10-15 दिन तो वो रह के जाए। आइए खाना खा लीजिए।
पूजा उस बैग में मेरे कपड़े हैं, वॉशिंग मशीन में मत डलवाना, सामने खड़े होकर धुलवाना, ठीक है? दीदी वो सब नौकर कर लेंगे, तुम खाना खाओ जाओ यहाँ से। दीदी सच जाने बिना कुछ ज्यादा ही बोल गई, सच्चाई जब पता चलेगी तो कोमा में चली जाएगी। क्या है ये सब, घर में कपड़े बर्तन करने के लिए नौकर चाकर नहीं है क्या? उनकी हिम्मत तो देखो, मुझसे काम करवाएंगे। भाभी उससे सब नंदे ऐसी बातें करती है मैडम, आप उनकी बातों का बुरा मत मानो, कान में ब्लूटूथ लगा लीजिए, आपको क्या करना है वो सब कुछ मैं मोबाइल से समझा दूंगी। घर में जब इतने सारे नौकर हैं तो तुम खाना क्यों परोस रही हो, बैठो बेटी। नाना मैडम बैठना नहीं, आपके खाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी ऐसा बोलो। आपके खाने के बाद ही खाना खाऊंगी। बहू भले ही फॉरेन में पली बड़ी है लेकिन अपने संस्कारों को अच्छी तरह जानती है। संस्कारी तरीके से ही है, खून भी करती है। सब कुछ है लेकिन प्याज दिखाई नहीं दे रहा है, पूजा जरा प्याज काट कर लाना तो। बाप रे यमराज को प्याज लाने बोल रही है, अब ये लो दीदी। क्यों रे मैं तुझे कब से देख रही हूँ, पूजा को एक भी काम नहीं करने देता। वो क्या है दीदी, ये प्याज काटेगी तो इसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे ना। आंसू आएंगे उसके बाद क्या? बाप रे, फिर उसे गुस्सा आएगा, उसके बाद दीदी के लिए एम्बुलेंस आएगी। मैडम बातें करेंगे तो मिलनसार लड़की समझेंगे, आप उनसे बातें करते रहिए। प्रवीण जी आजकल आपके पिताजी कहाँ हैं? ये मेरी फैमिली के बारे में क्यों पूछ रही है, कहीं उन्हें भी तो। बाप रे वो मेरे पैदा होते ही मेरे बाप ने मुझे कचरे के डब्बे में डाल दिया था, माँ कसम जब मेरे बाप की हरकत मेरी माँ को पता चली तो वो भी मुझे हरामी की औलाद कहकर पता नहीं कहाँ चली गई। वो तो इसने मुझे खाने पर बुलाया था, आप बोलो तो अभी हाथ धोकर चला जाता हूँ। जवाब दिए बिना फिजूल की बातें क्यों कर रहा है ना पापा, इसके पापा को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, उनके बारे में कोई पूछता है तो ये भी पागलों जैसी हरकत करने लग जाता है। चिकन अच्छा बनाया है तुमने, बनाया है? प्लम्बर आया है, फोन किसने किया? मैंने ही किया था। मैंने ही किया था, कैसे बनाया था? टेलीफोन डायरेक्टरी में से। टेलीफोन डायरेक्टरी में से? टेलीफोन डायरेक्टरी देखकर चिकन बनता है क्या? कह नहीं सकता, दुबई में बनता होगा। टेलीफोन डायरेक्टरी देखकर भी चिकन बनता है? इसने डरा धमका क्यों उन लोगों से, जरूर चिकन बनाने की रेसिपी लिखवाई होगी डायरेक्टरी में। मैडम भाजी वाला आया है। दबाओ मत, दबाओ मत, दबाओ मत बोला ना, दबाओ मत बोला ना। देखा तुमने अपने भाई को कितना ओपनली सबके सामने रोमांस कर रहा है। चुप रहिए। इस उम्र में ये सब चलता है बेटा, अब जल्दी से एक बिटिया दे दो, उसमें मैं तुम्हारी माँ को देखूंगा। माँ को? हाँ बेटा, इसको अगर बेटी हुई तो मैं समझूंगा बेटी के रूप में इसकी माँ आ गई, और बेटी तो माँ समान होती। उसका तो पता नहीं अंकल, अगर गड़बड़ हुई तो ये जरूर अपनी माँ के पास पहुँच जाएगा। मेरा पोता जो भी हरकतें करता है वो बिल्कुल अपने दादाजी की तरह ही करता है। दादाजी कैसे हैं? दादाजी कैसे हैं? वो अब नहीं रहे आंटी। अरे बेटी मेरे पति तो 15 साल पहले ही चल बसे। लेकिन मुझे एक बार तो बताना चाहिए था ना। लेकिन मुझे एक बार बताना तो चाहिए था। मैं कैसे बता सकती थी, ये तो जॉनी को बताना चाहिए था। बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। मेरे पिताजी के मरने का इसे कितना दुख है, मेरी बहू मुझसे भी ज्यादा सेंसिटिव है। ये अचानक फोन क्यों कट गया? और तुमने इतनी अच्छी लड़की को परेशान किया। सॉरी पूजा, तुम्हें बिना जाने ही मैंने न जाने क्या क्या कह दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हें इस तरह दुखी नहीं होना चाहिए बेटी, चल बैठ जा। अरे तुम्हारा हाथ कैसे कटा? चाकू मारते समय। चाकू मारा? किसको मारा तुमने बहू? किसी को नहीं मारा पापा, चाकू से सब्जियां काटते समय गलती से कट गया। अच्छा अच्छा। देखा तेरी दादी शेर को खाना खिला रही है। मेरे घर वाले उसे जानते नहीं है, इसलिए सीता देवी समझकर उसकी सेवा कर रहे हैं, जब पता चलेगा ये फूलन देवी है जोर का झटका लगेगा। ये लीजिए सर आपके डिस्चार्ज फाइल। अब दोबारा कब मिलने आऊं? मिलने के लिए हाथ पैर तुड़वाने होंगे। ये मेरे रोमांस को भी नहीं समझ पाई। परदेसी भैया। मैं ब्लाइंड हूँ, इसे पता नहीं चलना चाहिए। भीखो मेरे भाई, how are you मेरे डार्लिंग। तू यहाँ मुझसे मिलने आया था या नर्स को पटाने? भीखो तुमने मेरे काम को अच्छा अंजाम दिया, उसी का थैंक्स बोलने चला आया। एनीवे he is my बॉस। ये चिरकुट हाय भीखो, how are you? 4 प्लास्टर और 3 टाकों के साथ जी रहा हूँ। तो फिर चलो उसी के पास चलते हैं, आज ही उसे टपका देंगे। किसे टपकाओगे? उसे बच्ची समझने की गलती मत करना भाई, मेरी बात सुनो। उससे पंगा लोगे तो समझो तुम अपनी मौत से चैटिंग कर रहे हो। आपकी भलाई इसी में है कि आप चुपचाप जहाँ से आए हैं वहीं वापस चले जाइए, नहीं तो परलोक में बैठे आपके भाई के साथ आपका भी पिंडदान करना होगा। मुझसे ही सुपारी लेकर मुझे ही वार्निंग दे रहा है, पान खिलाओ इसे।
हे भगवान, मैंने तो मजाक किया था, तुम तो सच में हाथ पैर तुड़वा कर आ गए। आई लव यू। आधी रात को फोन क्यों कर रहा है तू? ए, तू मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं अपनी फैमिली के साथ साईं बाबा के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। पूजा को ऐसा बोला है मैंने, मेरी किस्मत अच्छी है, पूजा साथ नहीं जा रही है, तो वहाँ से भागने का मेरे पास एक अच्छा चांस है। कल सुबह ठीक 10 बजे तू सरदार जी के ढाबे पर कार लेकर पहुँच जाना। प्लान अच्छा बना है, लेकिन सक्सेस होगा क्या? परशुराम का वार और इस जॉनी का प्लान बेकार नहीं जाता। ये आए क्यों नहीं? दीदी, दादी कहाँ है? पूजा को साथ में चलने के लिए कह रही है, आती ही होगी। जैसे दादी के कहने पर वो चली आएगी, वो नहीं आने वाली। अगर वो दादी को ना नहीं कह पाई और आ गई तो? और तेरी काली जुबान। अरे ओ जॉनी, ये हमारे साथ नहीं चलने वाली है, इसे ऑफिस में बहुत सारे काम है, अब तू ही समझा इसे। दादी माँ, इसे ऑफिस में बहुत काम करना होता है, अगर काम नहीं होता तो ये जरूर चलती। आप चलिए बैठिए ना दादी। अच्छी, ये कौन बेवकूफ गधा है जो कार में बैठते समय छींक रहा है? दादी माँ, छींकने से दुनिया नहीं पलट जाती है, आप बैठिए। तू कुछ भी नहीं जानता है बेटा, मैं अंदर जाकर थोड़ा हल्दी का पानी छिड़क कर आती हूँ, तू यहीं रुक। हेमा, थोड़ा हल्दी का पानी दे मुझे। कैसे समझाऊं, समझ में नहीं आ रहा है मेरे। छोड़ना यार, वैसे भी छींकना अपशगुन होता है, रस्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया तो और भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक हफ्ते तक हिले डुले बिना इन्हें आराम करना होगा, समझ गए ना? टेक केयर। तेरी बदकिस्मती इस बार तेरी दादी के रूप में आई है, कहते हैं दरिद्रता को पानी पिलाओगे तो समंदर भी कम पड़ जाएगा। उसके घर के पास, उसके टेन के पास टाइट सिक्योरिटी है, तुम सभी लोग उस पर नजर रखना, जैसे ही वो बाहर दिखाई दे इन्फॉर्म कर देना मुझे। जाओ। पीछ भैया, मुझे पैसे निकालने हैं, ये एड्रेस जरा बताओ ना। अरे तो इंग्लिश में लिखा है भाई। इंग्लिश में है क्या? बोलो मछली भाई, इतना सारा एक्सपीरियंस है आपको, हर आने जाने वाला डरता है आपसे, लेकिन इंग्लिश नहीं आती मुझे तो। यू कम हियर, ये एड्रेस है ना? हाँ भाई। यहाँ से सीधे जाना, उल्टे हाथ को मुड़ जाना, फिर आगे एक पक्की सड़क मिलेगी, वहाँ एक बिजली का खंबा होगा, वहाँ पर एक सफेद रंग का कुत्ता होगा, वो अच्छा कुत्ता है, काटता नहीं, वहाँ से राइट लेना, ये एड्रेस मिल जाएगा, जाओ यहाँ से। कुत्ता? वो पिछली बार वही बैठा था भाई, अब अगर वो वहाँ नहीं हुआ तो? कुत्ते के आने तक ये वेट कर सकता है ना भाई। चलो। वो बग्गा दुबई में नहीं है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे लगता है हैदराबाद आ चुका है। उस भीखू को पकड़ो और इंक्वायरी करो।